ऋषभ का तो अभी जो देखा टैलेंट, लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग पूरा 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 कंट्री शॉक्ड है, और ये इन्होंने कुछ भी किया नहीं। आधा बॉलीवुड ऋषभ शेट्टी से काम मांग रहा है तो आधा बॉलीवुड जला बैठा कि साला कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया। अचानक से बाकी हर कोई आके थपेड़ जा रहा है यहाँ पे, कभी केजीएफ आके चाटा मारती थी, कभी विक्रांत अरुणा, कभी चार्ली 777, तो अब भाई कंटारा कन्नड़ा इंडस्ट्री भाई साहब पीक पे है। और बीते कुछ दिन पहले भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद भाई साहब आम आदमी थोड़ा सा ऐसा करे कि यार ये क्यों, किस लिए, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ इस चीज के पीछे है क्या, किस लिए ऐसा बोला गया था कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो जेलियस है किससे, ऋषभ शेट्टी से। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर इन दोनों को बुलाया गया था, अपने ऋषभ एंड नवाज भाई, और वहां पर ऋषभ शेट्टी के सामने ही नवाजुद्दीन ने कहा था कि जब कोई ऐसा काम करता है तो जेलेसी होती है, लेकिन वो इसलिए जेलेसी नहीं होती कि भैया इसको काम ना मिले, मुझे ये वाला काम मिले, जेलेसी होती है कि बिना एक्टर ये काम मेरे से कैसे छूट गया यार, ये इतना तगड़ा काम हो गया मेरे बिना। तो ये कोई बुरी तरीके की बात नहीं, कृपया बुराई करनी होती तो पीठ पीछे करते ना, क्यों ऋषभ के सामने करते। एंड ऋषभ शेट्टी ने वहां पे बताया कि भाई इज अ बिग फैन ऑफ नवाजुद्दीन वर्क, कि भाई पसंद आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उनका काम, गैंग ऑफ वासेपुर काफी बार देख चुके हैं वो। उनका कहना था कि भाई गिने चुने लोग ही हैं बॉलीवुड में जिनके काम को मैं पसंद करता हूं, एंड इरफान खान साहब, नवाजुद्दीन साहब, दे बोथ आर वन ऑफ देम, कि भाई इनका काम, इनकी कोई भी मूवी हो लोग पसंद करें ना करें, पर मेरे को बड़ा ज्यादा पसंद आती है क्योंकि द वे दे एक्ट, द वे दे हैव देयर ऑन जर्नी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, कुछ अपना सा लगता है भाई। वाकई में यही बात है, आउटसाइडर आके इस तरीके से रूल करना इंडस्ट्री में कोई छोटी बात नहीं है। बाकी जनता आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर अभी अपने इरफान खान साहब होते तो एक प्रोजेक्ट तो यार मजा आता ना, इरफान खान साहब, नवाजुद्दीन एंड अपने ऋषभ शेट्टी, मन में है कि नहीं देखने की, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ आपसे, चल बाय बाय।